यूपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां रेप का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर अब विधायक नहीं रहा। तो कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को मिली है और सजा ऐलान के बाद सेंगर की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया और अब विधायक नहीं रहा कुलदीप सिंह सेंगर। 20 दिसंबर से 2019 से बांगरमऊ सीट अब खाली रही मानी जाएगी। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने यह अधिसूचना, ये जानकारी साझा की है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो यूपी की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ। हरेंद्र, यूपी की सियासत से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेप का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर अब नहीं रहा विधायक। बिल्कुल आसमा, देखिए इसको यूपी के जो सियासी गलियारे हैं उसके उससे जुड़ी एक बड़ी खबर माना जाएगा। और कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी से विधायक रहे हैं, बांगरमऊ विधानसभा सीट उन्नाव जिले की, वहां से विधायक है, अब उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसको लेके यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई और उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि जो दिल्ली की 30,000 कोर्ट की तरफ से 20 दिसंबर 2019 को जो सजा का ऐलान किया गया है और कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई है, रेप और अपहरण के मामले में उनको दोषी पाया गया है, तो लिहाजा एक जो सतत प्रक्रिया है, जो विधिक कार्यवाही है, उसके तहत ये अधिसूचना जारी की गई। और इसमें इस बात को भी साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि 20 दिसंबर 2019 सजा के ऐलान के दिन से ही कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जो है खत्म मानी जाएगी। 20 दिसंबर 2019 से ही उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट जो है रिकॉर्ड में रिक्त मानी जाएगी। तो इस बात की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। तो जैसा पहले इस बात को लेकर खबरें निकल के आ रही थी, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया के तहत ये अधिसूचना जारी की गई है, तो जब सजा का ऐलान किया गया तो तभी ये तय हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता जो है जल्द खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, ये गंभीर आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे थे, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि मुश्किलें कहीं ना कहीं, लेकिन अब जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है हरेंद्र, ये इसलिए भी काफी अहम हो जाती क्योंकि लगातार ये मांग भी यहाँ पर उठ रही थी और एक पार्टी की छवि भी ऐसे लोगों से खराब होती है। तो एक अहम कदम भी इसको माना जा सकता है हरेंद्र, की संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से बीजेपी की जो छवि खराब हो रही थी, यही वजह है कि एक अगस्त 2019 को उसका पार्टी से निष्कासन किया गया था, उसको बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उसको निष्कासित कर दिया गया था। तो तभी उसके बाद ये तय माना जा रहा था अगर कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानता है तो ऐसे में विधानसभा की सदस्यता उसकी खत्म की जाएगी, ये अगला कदम होगा। अब चूंकि 20 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट से उसकी सजा का ऐलान हो चुका है, हालांकि सजा के खिलाफ भले ही कुलदीप सिंह सेंगर जो है दिल्ली हाईकोर्ट में अपील उन्होंने की है, लेकिन चूंकि जो सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उन्होंने उसको दोषी मान लिया है, तो ऐसे में उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के लिए एक पर्याप्त जो आधार है वो है, और इसी के चलते विधानसभा की जो प्रमुख सचिव उनकी तरफ से अधिसूचना जारी करके उचित कार्यवाही की गई। बिल्कुल हरेंद्र, अब जिस तरह से अधिसूचना जारी की गई है, यूपी की सियासत पर इसका कितना असर, क्योंकि लगातार अगर विरोधी दलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे, तो इन तमाम सवालों पर भी विराम इस अधिसूचना के जरिए। बिल्कुल, देखिए जब ये मीडिया की सुर्खियों में आता उसी वक्त से जो विपक्षी दल है योगी सरकार के ऊपर, पार्टी संगठन के ऊपर खासे हमलावर हो रहे थे और इस बात का लगातार बड़ा आरोप लगा रहे थे कि पार्टी संगठन और सरकार की तरफ से जो है कुलदीप सिंह सेंगर जो रेप के आरोपी है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे इस पूरे मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ती है, कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जब रायबरेली में एक नया मामला सामने आता है, एक्सीडेंट का मामला रेप पीड़िता का सामने आता है, उसके बाद इस पूरे मामले को यूपी से बाहर जो है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली किया जाता है, तो उसके बाद बीजेपी और संगठन के लोग जो है विपक्ष के हमलों को देखते हुए बैकफुट पे थे और उसका पहले उसका निष्कासन किया गया और जब कोर्ट की तरफ से उसको दोषी पाया गया, अब उसके बाद उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म की गई है। चलिए हरेंद्र, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।